चैनल अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं व्यूअर्स, हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हमें लेना होगा एक ब्रश, जिसे हम एप्लीकेटर ब्रश कहते हैं, जो फेस पर भी अप्लाई होता है। ये स्पून लेना है, एम्प्टी बॉल लेना है, ये हमें पीस लेना है, लेमन लेना है, और ये है हमारे पास बेसन, और ये है हमारे पास हल्दी मीन्स टर्मरिक, ठीक है, और ये हमारे पास हनी, और ये है हमारे पास वाटर। अगर वाटर की जगह आपको मिल्क सूट करता है, आप मिल्क भी ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क अगर मैं इंक्लूड करूँगी वो ज़्यादा ही चिकना हो जाएगा, इसलिए मैंने मिल्क इसमें नहीं इंक्लूड किया। सबसे पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमें चाहिए एम्प्टी बाउल और स्पून, और इसमें हम अपने फेस के अकॉर्डिंग लेंगे बेसन, ये देख सकते हैं आप, 1, और ये आया 2, 3, और ये हम ले रहे हैं 4। अगर आप चाहें इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मेरे लिए ये बहुत इनफ होगा, और मैं एक चम्मच इसलिए इसमें इंक्लूड करूँगी, जो मेरी सिस्टर्स हैं वो भी लगाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी मीन्स टर्मरिक, इतना देख सकते हैं, इतना ये होगी हमारी 3 से 4 इंच होंगी, इससे ज़्यादा इंक्लूड नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हल्दी अपना कलर भी छोड़ती है, सो इसलिए ये बहुत काफ़ी रहेगा। अगर आपको थोड़ी और नीड हो रही है तो बिल्कुल 1 पिंच इसमें इंक्लूड करेंगे। अब इसके बाद मैं इंक्लूड करूँगी इसमें ये लेमन, नींबू के चंद कतरे आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 6-7 इतने ड्रॉप्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे हनी, हनी हम लेंगे 1/2 टीस्पून, मुझे मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही, बस ओनली इतनी, ये 1 टीस्पून होगी हनी, अगर आप इससे ज़्यादा पीकर। और फिर इसके बाद हम इंक्लूड करेंगे इसमें वाटर, वाटर की जगह आप इसमें जैसे कि दूध भी इंक्लूड कर सकते हैं, दही भी इंक्लूड कर सकते हैं, जितनी हमें नीड होगी उतना हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे और जब हमारी नीड पूरी हो जाएगी फिर हम इसे इनफ कर देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल ड्राई, हमने इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे वो सारे शामिल कर दिए। अब इसमें हम इतना सा पानी इंक्लूड करें ताकि इसका अच्छे से मिक्सचर बन जाए। अब ये देखें अच्छे से इसका मिक्सचर बना के मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं इसका मिक्सचर बन चुका है इस तरह से, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ज़रा लाइट सी, हल्की सी, थिक भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है, बिल्कुल चॉकलेट लाइक है, और ये पूरा हमारे स्किन का मास्क है, इससे हमारे पिंपल्स, हमारे पोर्स को श्रिंक करता है, हमारे पोर्स को बंद नहीं करता। आपको जैसे कि मैंने बताया था हमारे पोर्स बंद नहीं होते, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह पोर्स पर भी। ये देखिए हमारे पोर्स को श्रिंक करता है, जो हमारे पोर्स पर डर्ट्स वगैरह, ब्लैक हेड, वाइट हेड होंगे, ये भी हमारे फेस से कंप्लीट दूर करेगा। इसको हम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा भी लगा सकते हैं और डेली यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात। अब आप बोलेंगे पीच का क्या इसमें काम है, तो मैं आपको बता दूँ पीच हमारी स्किन और जो पीच में शामिल होते हैं ब्लीचिंग एजेंट्स बहुत सारे होते हैं, और आपको पता है लेमन में भी ब्लीचिंग एजेंट्स बहुत सारे होते हैं। क्या करना है, हमने पीच को कट किया, कट करने के बाद इतना सा पीस हमने पीस का लिया, अपने पूरे फेस पर हम क्या करेंगे इससे क्लिंस करेंगे, ये देख रहे हैं हम इसे क्लिंस करेंगे अपने पूरे फेस को, इस तरह से हमने क्लिंस किया, ये देख सकते हैं हम इसे 5 to 7 मिनट्स इसी तरह से क्लिंस करते रहेंगे। क्लिंस करने से क्या होगा, हमारी जो डर्ट्स होगी, हमारे जो एपिडर्मिस लेयर होगी वो क्लीन हो जाएगी। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसे हम रिमूव कर देंगे, मीन्स के कॉटन की मदद से, किसी की भी मदद से हम इसे रिमूव करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले हमें अपनी स्किन को क्लिंस करना होता है, क्योंकि हमारी एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसके ऊपर डस्ट बहुत सारी होती है, अगर हम इसी के ऊपर ही इसे अच्छे से ऑब्जर्व अपनी स्किन पर कर लेंगे वो जाएगी हमारी डर्मिस लेयर पर, जो चीज़ हमारी डर्मिस लेयर पर जाती है, और आपको पता है हमारी डर्मिस लेयर एक दफ़ा अगर डैमेज हो जाए, एक दफ़ा अगर उस पर डस्ट चली जाए तो फिर वो रिपेयर नहीं हो सकती, वो अपनी मरम्मत खुद नहीं कर सकती। सो प्लीज़ इसलिए इसको अच्छे से इसको अच्छे से क्लिंस करेंगे, इसकी पीस की मदद से क्लिंस करने के बाद इसे मैं वॉश कर लूँगी। मैं वॉश करके आती हूँ और आपको ये आप देखें हमने क्लिंस कर लिया, अब इसे मैंने वॉश कर लिया, इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी अपना मास्क जो मैंने बनाया है, इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, हमारी जो डर्ट स्किन होगी वो भी रिमूव हो जाएगी, और जो हमारी स्किन पर टैनिंग थी वो भी, और जो डस्ट था वो तो हमारी स्किन से जो एपिडर्मिस लेयर थी उससे तो क्लीन हो गया। तो अब हम जो भी एप्लीकेशन करेंगे, जैसे कि हमने जो भी मास्क बनाया था, ये हमारी स्किन को टाइट भी करेगा। अगर देखिए आपका फेस है ये, ठीक है, अब आपने फेस को ऊपर की तरफ अप्लाई करना है इस तरह से फेस को, इससे आपके चेहरे को टाइटनप भी मिलेगा और आपकी स्किन जो लटकी हुई स्किन होती है उसे भी टाइटनप करेगा। इस तरह से मास्क आप ऊपर की तरफ लगाएंगे, मैं नीचे की तरफ इसलिए लगा रही क्योंकि मेरी झूलियाँ इस तरफ है, ठीक है, हाथ की, तो इसलिए मैं नीचे की डायरेक्शन में लगा रही हूँ। और आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में पूरे फेस पर लगाना है, और फॉरहेड पर आप इस तरह से जाएंगे, ठीक है, ये आपने अप्लाई करना है। आपको ये तकरीबन आपको रखना है 15 से 20 मिनट्स आपने अपने फेस पर रखना है, फिर उसके बाद आपने अच्छे से इसको कोल्ड वाटर से रिंस कर लेना है, फिर इसके बाद आपने कोई सॉप वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। फिर आप इस पर अगर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा यूज़ करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, ये उपटन का भी काम करता है, ये हमारे स्किन में स्क्रबिंग का भी काम करता है, बिल्कुल छोटे छोटे माइंड से इसके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको आपने देखा होगा बेसन को कभी आप हाथ पर लगाएं, बिल्कुल माइंड से पार्टिकल है, इसमें पार्टिकल्स हैं जो हमारे हाथ में भी है। जब ये ड्राई हो जाएगा, इसे हम स्क्रब करने के बाद इसे हम वॉश कर लेंगे, बस
ये वाली थ्योरी, इससे आपके पिंपल्स भी जो होंगे वो भी स्किन रिमूव हो जाएंगे, डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन को टाइटनिंग भी मिलेगा। ये ऑल इन वन है, ऑल इन वन स्किन पर सूटेबल है, ड्राई स्किन क्योंकि ड्राई स्किन पर भी जाएगा, नॉर्मल स्किन पर भी जाएगा, और ये एक्नी स्किन पर भी जाएगा क्योंकि इसमें हमने अगर ड्राई स्किन है तो हमने हनी भी शामिल की, अगर एक्नी स्किन है, अगर बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल चिकनी स्किन है उस पर भी जाएगा क्योंकि हमने इस पर लेमन भी इंक्लूड किया है और बेसन भी इंक्लूड किया है। ये हमारी स्किन के पोर्स भी श्रिंक करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मेरा इंस्टा अकाउंट है कोमल अली 53 के नाम से मेरा इंस्टा अकाउंट है, मुझे वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब इसको मैं 15 मिनट ड्राई करने के बाद आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट क्या आया है। सो ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट रखा है, 5 मिनट आप इसे पूरे 15 मिनट्स रखेंगे। मुझे घर में बहुत सारे काम हैं और भी, अगर फेस पे लगा होता है मैं काम कर लेती हूँ, अगर हाथों पर लगा हुआ हो तो मुझसे काम नहीं होता और जो काम करना होता है वो भी गंदा हो जाता है। अच्छे से ये 15 मिनट्स रखेंगे और 5 मिनट्स हम इसे स्क्रब करेंगे बिल्कुल जेंटल हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, और स्क्रबिंग जब भी करते हैं हम बिल्कुल हल्के हाथों से करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने हल्के हाथों से स्क्रबिंग कर ली, अब स्क्रबिंग करने के बाद मैं क्या करूँगी ये देखें, ये हम साफ़ कर लेंगे, ये हमने साफ़ कर दिया, ठीक है। मैं तो टिशू की मदद से कर रही हूँ, आप चाहे किसी और वॉश कर लेना, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने टिशू की मदद से कहीं लगा हुआ है और कहीं नहीं, और इस हाथ में फ़र्क आप खुद देख सकते हैं, इस हाथ में हमने लगाया था और इस हाथ में हमने लगाया, इस हाथ में नहीं लगाया। अब खुद आप देखें फ़र्क कितना वाजिया फ़र्क आ रहा है, देखें कितना वाजिया फ़र्क है इसमें और इसमें, बहुत सारा, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट में इतना अच्छा रिजल्ट आया तो सोचिए 15 या 20 मिनट्स में पूरे आपको 20 मिनट्स रखना है, 15 मिनट्स आपने इसको रखना है और 20 मिनट्स आपने 5 मिनट्स आपने स्क्रबिंग करने के बाद आपने इसे वॉश कर लेना। चलिए व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जल्द से जल्द न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।